हेलो साथियों, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग। जिस टाइम वीडियो देख रहे हैं, आप सभी का स्टडी पावर पॉइंट की एक नए वीडियो में लेक्चर में स्वागत है। आज अपनी जो बेसिकली क्लास होने वाली है, पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की पहली क्लास है अप्लाइड केमिस्ट्री की। जी हाँ, काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी कि अप्लाइड केमिस्ट्री चालू की जाए, तो आज फिलहाल मैं, आज दिवाली का दिन है तो सबको हैप्पी दिवाली, और मैं आज पहली वीडियो ला रहा हूँ केमिस्ट्री की, जिसमें मैं बेसिक कॉन्सेप्ट तो बताऊंगा ही और मैं कुछ चीज़ें जो जानता हूँ नहीं जानता वो अभी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले कि मैं फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ा था, इसको मुझे अच्छे से याद था, इस समय थोड़ा कम याद है, लेकिन मैं नोट्स बुक या वगैरह का बुक वगैरह का सारा लेके आपको अच्छे से समझा दूंगा, जिससे आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। और एक बात जो सबसे ज़रूरी है वो ये है कि वीडियो अगर एक बार में ना समझ में आए, उसे रिप्ले करके जरूर देखिएगा, दूसरी बार में जरूर डाउट्स क्लियर हो जाएं, और इसी तरीके से आप अगर करेंगे तो पेपर में अच्छे खासे अंक जरूर उठा पाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर लाऊं, ताकि आपकी दिसंबर से पहले एक क्लास सब समाप्त कर दें, मतलब काफ़ी चीज़ें का लगभग 17 मार्क्स तो क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली क्लास है, सब कुछ देखेंगे, सब कुछ चलेंगे, लेकिन बता दूं आज दीपावली का दिन है तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है और साथ में शेयर भी बनता है। आप फर्स्ट ईयर के हैं, आपके मतलब कॉलेज में व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह तो बनाए ही गए होंगे सबके कांटेक्ट में रखने के लिए, तो उसमें इस वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि सबको पता चले कि हम अप्लाइड केमिस्ट्री की क्लास ला रहे हैं, जिससे यहाँ से 70 नंबर तक आसानी से पढ़ा दें, ताकि कोई भी फेल ना हो पाए, ठीक है। तो चलते हैं सबसे पहले लेसन वन की तरफ। अपने पास एक कॉपी है या बुक भी इधर सामने, तो मैं बता दूं कि सबसे पहला जो लेसन है उसका नाम क्या, नाम सुन लीजिए, लिखने ना हो क्योंकि लिखने में टाइम लगता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो काम है आपका, पहला लेसन का नाम है परमाणु संरचना, रासायनिक आबंध तथा तत्वों का वर्गीकरण। ये पूरा नाम है आपके लेसन वन का है, खास करके वीडियो यूपी बोर्ड के लिए भी ध्यान रखना, क्योंकि पीछे जब देखते हैं कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ का है भाई कैसे, तो आप सिलेबस मैच करके पढ़ सकते हैं, मैंने सिलेबस वाली वीडियोस बना दी हैं। तो सबसे पहला जो हेडिंग आती है आपकी, आती है परमाणु, ठीक है। परमाणु क्या होता है, परिभाषा क्या है, यानी इंग्लिश में बोलते हैं एटम, एटम क्या होता है, इसके बारे में आप समझिए। बहुत ध्यान से सुनना, मैं परिभाषा बता रहा हूँ, क्योंकि ये परिभाषा आपके कोई भी टीचर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो और भी चीज़ें बताऊँगा, लेकिन अभी धीरे धीरे, ठीक है। सबसे पहले परमाणु, परमाणु पदार्थ का वह छोटा से छोटा क्या है, कण होता है, ठीक है। परमाणु पदार्थ का छोटा से छोटा कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी तो उसमें भाग लेता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परमाणु कहलाता है। तो आपकी ये रही परिभाषा परमाणु की। परमाणु आपके जो होते हैं बेसिकली तीन मूल कण होते हैं, जो हमारे परमाणु होते हैं वो तीन मूलों कणों से मिलकर बने होते हैं। सबसे पहला होता है प्रोटॉन, दूसरे मतलब इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, फिर न्यूट्रॉन्स आते हैं। तो तीन पदार्थ होते हैं जो कि बनते हैं, जो प्रोटॉन होता है उस पर प्लस आवेश होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पर ऋण आवेश होते हैं, जबकि हमारा न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होते हैं, न्यूट्रल होते हैं यानी उदासीन होते हैं। इसके बाद आपकी जो अगली टॉपिक्स होती है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में, कुछ चीज़ें आपको जाननी है, आइए उसको हम समझते हैं। सबसे पहला आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में बताते हैं, और इससे अच्छा आपको कहीं नहीं मिलेगा इलेक्ट्रॉन के बारे में जानने के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के बारे में आप समझिए, इलेक्ट्रॉन के बारे में मैं आपको लगभग 1-2-3 लगभग 7 पॉइंट बता रहा हूँ, 7 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके अगर मान लीजिए, हालांकि आने के बहुत कम चांसेस रहते हैं, अगर आ जाता है, अगर ये 7 पॉइंट लिखोगे ना हर चीज़ के, आपको ये याद भी हो जाएगा, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा इसमें बनाया था उस समय जब मैं नोट्स पढ़ रहा था। तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन की पहली पॉइंट में आप लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में किया था, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि इसको इस तरह ई या ई के माइनस से हम इसको शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तीसरी चीज आती है कि इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित मूल कण है, ठीक है, ऋण आवेशित मूल कण, 3 पॉइंट हुए। चौथे पॉइंट आपका है, इस पर क्या होता है, इकाई ऋण आवेश पाया जाता है, इस पर इकाई ऋण आवेश पाया जाता है। साथ में कभी कभी बहुविकल्पी में पूछ सकता है इस पर कितना चार्ज होता है, तो आप लिखेंगे माइनस, ध्यान दीजिएगा, -1.6×10⁻¹⁹, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 19 कूलाम। कभी मत कहिएगा कि ये माइनस का क्या, इलेक्ट्रॉन के लिए केस में माइनस हो जाता है, प्रोटॉन के केस में यही चीज़ प्लस में होती है, सब कुछ सेम होता है, ठीक है। तो आपकी रही है बेसिकली चौथी पॉइंट। पांचवी पॉइंट है इसके द्रव्यमान के बारे में, तो द्रव्यमान जो इलेक्ट्रॉन का होता है वो होता है बेसिकली आपका, इधर मैं लिख देता हूँ, 9.1×10⁻¹⁹ किग्रा,
ठीक है, -31 किग्रा, या तो इसको अगर ग्राम में करोगे, ग्राम में अगर ले जाओगे, 3 यहां से कम हो जाएंगे, यानी आपका बेसिकली हो जाएगा कितना, यहां से 9.1 × 10⁸-28 ग्राम में यही चीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें रही आपकी यहाँ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। अगला चलते हैं, अगर बात करें इसी द्रव्यमान को AMU एटॉमिक मास यूनिट में बात करें, तो एटॉमिक मास यूनिट में इसका मान होता है 0.00054 AMU। ठीक है, AMU बेसिकली AMU में होता है ये द्रव्यमान। तो इस तरह देख सकते हो, कई पॉइंट हो गई। एक पॉइंट और है जिसका लिख सकते हो बढ़ाने के लिए, ये है कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है ना, हाइड्रोजन, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन के द्रव्यमान के, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के 1/, इधर मैं लिख देता हूँ, 1/1837 भाग होता है। ठीक है, 1837वां भाग होता है बेसिकली हाइड्रोजन के द्रव्यमान का। तो इतनी पॉइंट हो जाती है आपके इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो आई होप आपको इतनी समझ में आई होगी, अगर समझ आए तो एक लाइक दीपावली के दिन तो बनता ही है यार। इसको डिलीट करते हैं यानी मिटाते हैं। अब चलते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तरफ, जिसमें हम आज बहुत सारे आपके डाउट्स और न्यूमेरिकल्स भी कुछ बता देते हैं जो आपके पेपर की दृष्टि से आते हैं। ठीक है, तो चलिएगा हम चलते हैं सीधे अब प्रोटॉन की तरफ। प्रोटॉन की जो हमारी टॉपिक्स है, प्रोटॉन जो हमारा है बेसिकली सा प्रोटॉन, ठीक है, इस तरह से हो सकता है स्पेलिंग थोड़ी इधर उधर, कोई बात नहीं, चलते हैं सीधे आते हैं। अब बात करते हैं यार प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन देखिए क्या है ना, प्रोटॉन की खोज हमारे वैज्ञानिक थे रदरफोर्ड, इन्होंने 1919 में प्रोटॉन की खोज की थी। अब इतना चीज हो गई, इसको प्रोटॉन को, यानी इसको मतलब प्रोटॉन को पी से, ठीक है, पी से, या तो हम इसको किससे, एच प्लस से दिखाते हैं, शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। दो पॉइंट हो चुकी, किसने खोज की, किस सन में वो बता दिया, दूसरा कि इससे प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद प्रोटॉन पर इकाई धन आवेश मूल कण होते हैं या पाया जाता है, ये चीज लिख सकते हैं, मूल कण है। ठीक है, इसके बाद होता है यह एक धन आवेशित कण, प्रोटॉन पर इकाई धन आवेश पाया जाता है, और इस पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, वो आपका होता है +1.6×10⁻¹⁹ कूलाम, इतना आपके प्रोटॉन पर धन आवेश चार्ज पाया जाता है। ध्यान दें, इलेक्ट्रॉन केस में माइनस हो जाता है। अगले केस की तरफ चलते हैं, इसके द्रव्यमान के बारे में जानते हैं। इसका जो द्रव्यमान होता है ना, 1.67×10⁻²⁷ किग्रा, या तो ग्राम में लेंगे 10⁻²⁴ ग्राम हो जाएगा, यानी आपका इसका द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है, 1.67×10⁻²⁷ kg। ठीक है, ग्राम में कर लोगे तो यार यहीं पर हो जाएगा बस, बेसिकली सब 1.67 हो जाएगा, और यहाँ पे × 10⁻³ यहाँ से कम कर लोगे बेसिकली आपका 24 हो जाएगा, ये आपके ग्राम में हो जाएंगे। तो आपने देखा ना किस तरह इसके ग्राम के बारे में जाना। अगला कॉन्सेप्ट और अगली ट्रिक्स, मतलब अगले बारे में हमको जानना है कि जो इसका AMU में कितना द्रव्यमान होता है। अगर बात करें AMU में द्रव्यमान के, तो AMU में इसका होता है 1.008 AMU, या तो A8 कैसे आता है, ये होता है बेसिकली 1.00, और यहाँ पे बेसिकली सर 00, यहाँ पे होता है बेसिकली सर 7, और इधर 8 होता है AMU। ठीक है, तो यहाँ से आपके सार्थक अंक जब पढ़ेंगे, अभी फिजिक्स में होता है, तो जब यहाँ से 5 से बड़ा होता है तो एक घट जाता है, यहाँ आपका बेसिकली बढ़ जाता है तो 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से AMU में द्रव्यमान हो गया। अगले चीज के बारे में चलते हैं कि इसका जो मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग समान होता है, क्योंकि उसमें भी एक ही प्लस होते हैं, तो इस कारण से उसके समान माने जाते हैं। तो ये इतनी चीज आपने जाना प्रोटॉन के बारे में। अब चलते हैं हम सीधे गाइस किसके, न्यूट्रॉन्स के बारे में। इसको हम इरेज कर देते हैं और न्यूट्रॉन के बारे में कुछ जानकारियां लेते हैं, फिर कुछ और कॉन्सेप्ट देंगे जानकारी उसके बारे में आप समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली न्यूट्रॉन्स के बारे में हम देंगे, न्यूट्रॉन आप समझिए। न्यूट्रॉन में देखिए कमी पॉइंट है, 6 पॉइंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, समझ लो यार इसको। कहा जाता है, मतलब कहा जाता नहीं, ऐसा है, न्यूट्रॉन की खोज जो वैज्ञानिक थे चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किया था, किसमें किया था, 1932 ईस्वी में चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किए थे। साथ में इस पर जो होता है, मतलब इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, इसको हम यन से प्रदर्शित करते हैं, इस तरह से,
इस तरह से यन से, या तो जीरो यन वन से हम प्रदर्शित करते हैं। दूसरा कि यह जो न्यूट्रॉन होता है विद्युत का उदासीन एक कण है, मूल कण ही है। फिर तीसरा, इस पर कोई आवेश नहीं पाया जाता। चौथे पॉइंट की बात करें इसके द्रव्यमान की, तो लगभग हाइड्रोजन द्रव्यमान के समान ही होता है, यानी 1.67 गुणे 10 घाते माइनस 27 केजी, यानी देख सकते हो प्रोटॉन के लगभग समान ही है, प्रोटॉन के लगभग समान है, ग्राम में कर लोगे 10 घाते माइनस 24 हो जाएगा। अगली पॉइंट है कि इसका जो द्रव्यमान होता है, मतलब भार होता है या द्रव्यमान होता है, वो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो इस तरीके से अभी तक आपने जाना कि न्यूट्रॉन की, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में। एक चीज़ मैं यहाँ पे, तीनों का बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप तीनों कंपैरिजन करके पढ़ोगे आपको तुरंत जल्दी से जल्दी याद हो, क्योंकि जब मैं कर रहा था तो मैं कंपैरिजन करके पढ़ाता जिससे मुझे अच्छे से याद हो गए थे। तो सबसे पहले एक और फार्मूला बताता हूँ, ईटा पर नाच, जिससे ईटा पर नाच से सब कुछ जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की थॉमसन ने की थी। पर ईटा पर नाच की बात करते हैं तो वहाँ प्रोटॉन की रदरफोर्ड, और बात करें हम न्यूट्रॉन की तो चैडविक ने किया था। तो यहाँ से कंपैरिजन करके यार आप देख सकते हो। फिर अगले कॉन्सेप्ट की हम तरीके चलेंगे, तो हमारा जो अगला टॉपिक है एटॉमिक नंबर्स, एटॉमिक मास, इन सब के बारे में। इस पर कुछ फार्मूले देंगे जिससे आप न्यूमेरिकल्स हल करेंगे, एक दो न्यूमेरिकल मैं बता भी दूंगा, ठीक है, आप बुक से और न्यूमेरिकल्स यहाँ पे देख सकते हैं। तो करना क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, सबसे इसके बाद हमारी जो आती है हेडिंग परमाणु क्रमांक, ठीक है, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के बारे में आपको जानना है। देखिए एटॉमिक नंबर की मैं दो परिभाषा बताता हूं जिससे आपके दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को, ठीक है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के उस तत्व के जो, मतलब जितने प्रोटॉन्स होंगे वही उसकी परमाणु क्रमांक कहलाता है, और इसको हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रहे इसको हम किससे करते हैं, जेड से प्रदर्शित करते हैं परमाणु क्रमांक को, ठीक है, कि उसके अंदर कितने परमाणु हैं। मान लीजिए मेरे पास हाइड्रोजन, उसमें एक परमाणु, तो उसकी परमाणु संख्या एक। हीलियम है, उसमें दो हमारे प्रोटॉन है बेसिकली से, तो दो हो जाएंगे, इस तरह से होते हैं। दूसरी परिभाषा ये भी होती है कि उसके अंदर, किसी परमाणु के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसी इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु क्रमांक कहते हैं। लेकिन प्रोटॉन सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि वो नाभिक में होता है, वो निकलता उगलता नहीं, उसी में पड़े रहते हैं, ठीक है, इसलिए प्रोटॉन वाली परिभाषा काफ़ी अच्छी है, ए वाली भी अच्छी है। तो इससे हमें स्पष्ट हो जाता है प्रोटॉन की संख्या को बराबर जेड के होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी जेड के होती है, यानी हम कह सकते हैं कि जेड बराबर पी बराबर ई। ये हम कह सकते हैं कि नहीं, ये हम कह सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो इस फार्मूले को नोट कीजिएगा क्योंकि इसी पे अभी हम न्यूमेरिकल्स बताने वाले हैं, ठीक है। तो आपने अभी तक परमाणु क्रमांक के बारे में जाना, एटॉमिक नंबर, अब हम चलते हैं द्रव्यमान संख्या की तरफ, जो कि इसका दूसरा कॉन्सेप्ट है, दूसरा क्लियर करते हैं हम। अगला हमारा जो है क्या, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या के बारे में बात करते हैं, यानी एटॉमिक मास होता है, इंग्लिश में बात करें तो आपका होता है एटॉमिक, एटॉमिक, एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक मास के बारे में हम समझते हैं, एटॉमिक मास क्या होता है, किसी परमाणु के, ठीक है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों, इलेक्ट्रॉन नहीं बेसिकली, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, यानी दोनों को जोड़ दिया जाए तो द्रव्यमान संख्या हमें प्राप्त होती है, ठीक है। किसी परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन, उन दोनों को जोड़ देंगे, उनका योग ही द्रव्यमान संख्या कहलाती है। और ध्यान रहे इसको ए से प्रदर्शित करते हैं, जो संकेत हैं बहुत जरूरी क्योंकि इन्हीं से सब काम होंगे, तो इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। यानी कहने का मतलब इससे हमें जो फार्मूला बनता है, ए बराबर हमने कहा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी यन, यहाँ पे बेसिकली यन हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये फार्मूला हो जाता हमारा किसका, द्रव्यमान संख्या का। तो इस तरह से आप द्रव्यमान संख्या का फार्मूला और जेड बराबर पी बराबर ई, दोनों फार्मूला याद कीजिए। अब इस पे हम दोनों क्वेश्चन के एक एक न्यूमेरिकल्स बताते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे, ये चीज़ होती है कि देखिए हम जानते हैं यहाँ पे कि जेड बराबर पी होता है, अभी हमने जेड बराबर पी बराबर ई पढ़ा, तो उन दोनों फार्मूले का भी यहाँ से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर रख लेंगे तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, जेड प्लस यन हो सकता है, या तो मैं इसको ए भी लिख सकता हूँ, ए माइनस जेड इज इक्वल टू हमारे यहाँ क्या हो सकता है, यन हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी हो सकते हैं।
तो अभी जितने तरीके से आप करना चाहें वहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे दो फार्मूले टाइप के हो गए, क्योंकि इन्हीं सबको समझते हुए हम अगले क्वेश्चन सभी क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिएगा, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। बेसिकली हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, एग्जाम्पल है, न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, मैं दूसरी चाक यूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन आपके सामने रहा, कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में किसी परमाणु के नाभिक में 17 प्रोटॉन की संख्या 17 दी गई है, यानी हमें पता चल गया। पहले तो हम लिखते हैं वी हैव गिवेन, यानी दिया है, वी हैव गिवेन, ठीक है, वी हैव गिवेन आपको दिया प्रोटॉन की संख्या, यानी P बराबर आपको 17 दिया गया है। दूसरा चीज आपको कह रहा है कि तो 17 P दिया है, तो कहा जा रहा है उसका परमाणु क्रमांक ज्ञात कीजिए, साथ में उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या को भी हमें ज्ञात करके बताइए। यानी P दिया है, आपसे पूछ रहा है Z इज इक्वल टू कितना आएगा, साथ में E भी पूछ रहा है कितना आएगा। तो हम देखिए बेसिकली सब फार्मूला जानते जो हमारा था, Z बराबर P बराबर E होता है। तो देख सकते हैं P का मान जब 17 है तो Z बराबर क्या है हमारे E है, और P के बराबर यानी 17, यानी उसका परमाणु क्रमांक जो है, परमाणु क्रमांक है वो 17 है और उसमें 17 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस तरह से आपका एक न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं। यहाँ पे अगले हम मतलब फार्मूले की तरफ, मतलब अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, दूसरे न्यूमेरिकल पढ़ते हैं और उसको हम सॉल्व करते हैं कुछ इसी तरीके से, इजी टाइप में, ठीक है। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ, आपका दूसरा न्यूमेरिकल्स कुछ इस तरीके का है, जो सिंपल टाइप्स के हैं, आप बुक में और भी मिल जाएंगे, आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि किसी परमाणु में जिसका मतलब कोई एक परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक 25 है, आप गिन सकते हैं 25 पर कौन सा परमाणु आता है, आप उसके मदद से, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि उसमें प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमको पता है कि क्या है, वी हैव गिवन लिखते हैं, यानी दिया है, वी हैव गिवन। तो हम देखिए कहा कहता है, जेड इज इक्वल टू हमें दिया गया है 25 दिया गया है। तो हमसे कहा गया कि P हमको ज्ञात कर दीजिए और इलेक्ट्रॉन्स हमें ज्ञात कर दीजिए कितने होंगे उस परमाणु में। तो बेसिकली सा हम फार्मूला यही जानते हैं, Z बराबर P बराबर E। तो Z बराबर 25 है, तो यानी यहाँ पे 25 लिख देंगे, तो उसका उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 25 ही है, 25, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा वही क्वेश्चन टाइप का था। अब एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इससे थोड़ा बड़ा टाइप का है और उस थोड़े मतलब ट्रिक्स टाइप के है, जिसमें हम दूसरे भी मतलब क्वेश्चन जो हमने दो फार्मूले बताए उन सब का भी इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे। तो बढ़ते हैं हम अगले न्यूमेरिकल की तरफ, जो हमारा तीसरा न्यूमेरिकल है। तीसरा न्यूमेरिकल ध्यान से सुनिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी परमाणु में, ठीक है, किसी परमाणु में न्यूट्रॉन्स जो है उनकी संख्या को बताया गया 18 है, उसका द्रव्यमान संख्या को बता दिया गया कि वो 35 है, तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, न्यूट्रॉन की संख्या। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, वी हैव गिवेन, ठीक है, वी हैव गिवेन आपका हो जाएगा बेसिकली, आपको n बराबर दिया है कितना 18, हमने बताया 18 दिया है, फिर a बराबर क्या दिया था आपका 35 दिया था। इतनी चीज़ें आपको दी गई, तो आपसे पूछा कि आप हमें बताइए उसमें प्रोटॉन कितने होंगे। तो हम प्रोटॉन निकालने का फार्मूला अभी हम बताते हैं। हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था a बराबर क्या होता है, a बराबर होता है P+N होता है, a बराबर P+N होता है। तो देख सकते हो a दिया गया है, n दिया गया है, a बराबर p बराबर आपका ये होता है, a बराबर P+N होता है, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ दिया गया है, तो देखिए गाइस आपको P निकालना है ना, तो P को एक तरफ रखिए और N को इधर भेज दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, A-N होगा कि नहीं, न्यूट्रॉन। तो A की मान आपको पता है कि 18, A का मान आपका 35 है, ठीक है, A का मान 35, N का मान देख सकते हो -18 है, ठीक है। अब 18 15 में से 8 जाएगा, यानी 17 लगभग आपका यही बचेगा, ठीक है, 17 बचेगा। P बराबर 17, यानी उस तत्व के अंदर 17 प्रोटॉन स्थित हैं, उपस्थित हैं। तो ये चीज हो गई, देखा आपने कितने, हमने लगभग तीसरा बात कर रहे हैं। चलिए हम तीसरे की तरफ से और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, हम उसको भी कर सकते हैं, लेकिन अब हम एग्जांपल यहाँ पे, चलिए ये थोड़ा बड़ा टाइप का था इसलिए हम इसको अब नहीं कर रहे हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं इसको बता देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टाइप का है, हो सकता है आपको ऐसे क्वेश्चन और भी आपके बुक में मिले, तो आप उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन थे, थोड़ी बड़े की तरफ चलते हैं। कहा जाएगा कि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूगेशन किया गया है, उसका मान क्या है, उसको मैं लिखता हूँ, थोड़ा बड़ा टाइप का है। क्या लिया है, 1s2 2s2 2p6
3s2 3s2 3p 3p6 आपका बेसिकली 3p6 आ गया, 4s2 इसके बाद है, 4s2 है, इसके बाद 3d10 दिया गया है, 3d10 है, फिर अगला आपका इसके बाद दिया है 4p6 है, 4p6 है, फिर इसके बाद 5s2 है, ठीक है। तो देख सकते हो कि एक इतना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया, अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करना सिखाएंगे आपको, इस नियम को आप दो दो सेकंड में करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और चीज़ें जाननी होती हैं, उनको आपको समझना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, आपको इतना दिया गया था। तो कहा जा रहा है इस तत्व की द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या को हम किसे दिखाते हैं, ए से दिखाते हैं, तो ए इज इक्वल टू 80 दिया गया है, ठीक है, ए इज इक्वल टू 80 दिया गया है। फिर कहा जा रहा है उस तत्व का परमाणु क्रमांक तथा प्रोटानों की संख्या व न्यूट्रॉनों की संख्या हमें बताइए, ठीक है, प्रोटानों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए। तो देखिए गाइस, हम क्या करेंगे, हमको पता है ए बराबर पी बराबर ई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, द्रव्यमान संख्या बराबर। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो पहला अंक होता है उसके सब जोड़ लेंगे तो परमाणु क्रमांक हमें पता हो जाते हैं। तो चलिए हम सिंपल सा करते क्या है कि वी एफ गिवन है, सब चल रहे हैं, तो 1, 2, 3, 3 और यहाँ से 2, 5, 5, 3, 8, 8, 3 यहाँ से हो जाएंगे 11। तो इस तरह से आप जोड़ लोगे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्योंकि भाई जोड़ने में टाइम लगेगा, तो इसलिए आपका यहाँ पे जो आएगा ना वो 38 आएगा लगभग, ठीक है, 38 आपका आएगा, वो आपका 38 जेड आएगा, ठीक है, जेड बराबर आपका 38 आएगा, लेकिन हम जेड बराबर पी बराबर ई जानते हैं, तो बराबर यही पी हो जाएगा, बराबर यही ई हो जाएगा। तो आपने देखा ना हमें क्या क्या पूछा था, वो कुछ चीज़ें निकालनी, जैसे पूछा था परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक 38 है, उसमें पूछा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो अभी न्यूट्रॉन हमने नहीं निकाला है, हमने प्रोटॉन पता किया है 38 है, इलेक्ट्रॉन नहीं पूछा था लेकिन फिर भी हमने निकाल दिया, वो भी 38 है। तो इसके बाद देखिए हम जो अगला फार्मूला जानते हैं, हम फार्मूला यही जानते थे ना, हम जानते थे n बराबर a माइनस p, ध्यान देखिएगा a माइनस p कैसे आया, ये फार्मूला कहाँ से आया, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में जो हमने बताया था वही पछांतर करके क्या बताया था, यही क्या था, a बराबर p प्लस n, a बराबर p प्लस n से वही वाला फार्मूला हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है। तो देखिए n न्यूट्रॉन निकालने हैं तो हमें पता है, यहाँ पे सीधे अच्छे से लिख लेते हैं, न्यूट्रॉन a का मान हमें दिया है 80 यानी माइनस p दिया है, बेसिकली सब p हमारा 38 है, तो हमें n इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 42। तो देख सकते हो यार इस तरीके से आपका न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, बड़े क्वेश्चन थे आपने समझे। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसे संभारिक और समस्थानिक, आइसोमेट्रिक एंड आइसोबार, आइसोटोप्स एंड आइसोबार के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, जिससे आपके और कुछ डाउट्स के, और हाँ ये समस्थानिक जो है ये पेपर में आता है और ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको ध्यान से सुनना। और संभारिक के लिए हम कुछ एग्जाम्पल बता देंगे और समस्थानिक के लिए भी, संभारिक को बोलते हैं आइसोटोप्स, मैं लिख नहीं रहा हूँ सुन लीजिएगा, समस्थानिक को आइसोटोप्स बोलते हैं, संभारिक को आइसोबार बोलते हैं। अब देखिए क्या होता है, अगर देखिए एक ही परमाणु के, ध्यान दीजिएगा एक ही परमाणु के, यदि किसी या जब किसी एक ही परमाणु में उसका एक ही परमाणु में उसका परमाणु क्रमांक समान रहे, ठीक है, परमाणु क्रमांक समान रहे, द्रव्यमान एक ही परमाणु होना चाहिए और उसके परमाणु क्रमांक जो समान हो और द्रव्यमान संख्याएं जो भिन्न भिन्न हो, तो वे तत्व क्या होते हैं, वे परमाणु एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, एग्जाम्पल इसमें देखिए जो हमने बताया उसके अनुसार हम एग्जाम्पल लिखेंगे, सभी एक मत लिखिए, एग्जाम्पल लिख लीजिए इस तरीके से। तो आपका जैसे हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक पोट्रियम ड्यूट्रियम टाइट्रियम होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3, तो देख सकते हो एक दूसरे के समस्थानिक, परमाणु क्रमांक समान है, द्रव्यमान संख्या है भिन्न भिन्न है और ये एक ही परमाणु है। तो एक एग्जाम्पल ये हो गए। दूसरा एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, 17 क्लोरीन 35, फिर देखिए 17 क्लोरीन 36, इसका क्या नाम है तो नहीं याद है लेकिन देख सकते हो परमाणु क्रमांक समान है, तत्व तो भी सेम है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, एक दूसरे के समस्थानिक हैं। इसी तरीके से एग्जाम्पल और ले लो, 6C12, 6C13, 6C14, तो एक दूसरे के भी कार्बन में समस्थानिक है। तो इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, आपने समस्थानिक देखा। अब देखिए इसको इरेज करते हैं और संभारिक के बारे में हम आपको बताते हैं, ठीक है, संभारिक हम आपको इसके बाद हम
आपको समभारिक बताते हैं, ठीक है। समभारिक को हम बोलते हैं आइसोबार। क्या बोलते हैं? आइसोबार बोलते हैं। क्या होता है इसमें? भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक होते हैं, ठीक है। भिन्न भिन्न तत्व होते हैं, परमाणु संख्या मतलब जो हमारे परमाणु क्रमांक होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन द्रव्यमान संख्या जो होती है ना वो सेम होती है। द्रव्यमान संख्या जो बेसिकली से हमारा क्या होता है, सेम होता है। क्या क्या होता है आइए बताते हैं। देखिए परिभाषा कैसे होगी, जब दो या दो से अधिक तत्वों में उनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो तथा उनकी द्रव्यमान संख्याएं समान हो तो वे परमाणु एक दूसरे के समभारिक कहलाते हैं। ये आपकी परिभाषा हुई। आइए एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं एग्जाम्पल इसके क्या बनेंगे। एग्जाम्पल आपके बनेंगे, देखिए 18 हो गए आर्गन, आर्गन 40 होते हैं, इसके परमाणु देख सकते हैं द्रव्यमान संख्या 40 है। फिर इसी तरीके से 19 पे हमारा ये पोटेशियम है और इसके भी 40 रहेंगे, और इसके बाद बेसिकली अगला हमारा 20 और कैल्शियम है और इसके भी 40 रहेंगे। तो ये तत्व तो एक दूसरे के समभारिक कहलाते हैं। एग्जाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, पेपर में आने के चांसेस रहते हैं और 9-10 में तो ये पूछा जाता है खास करके, और काफ़ी लोग को नहीं पता होता, ठीक है। तो दो तरीके से होते हैं द्रव्यमान संख्याएं बराबर यहाँ पे होती हैं, समभारिक में और समस्थानिक में। बेसिकली से क्या होता है वहाँ पे ये चीज़ें जो परमाणु क्रमांक होते हैं वो बराबर होते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम अगले चलते हैं, अगले मतलब इसके और एक आध दो बता देते हैं क्या है। जैसे कि C6C हमारा हो जाएगा बेसिकली सा 14 और 7N14, ठीक है, 7N14। तो ये भी आपस में क्या है, समभारिक है। एक और एग्जाम्पल मेरे पास है उसको भी मैं बता देता हूँ, वो आपका है बेसिकली सा 26 या फिर 58। दूसरा है 28 निकिल वो क्या है 58 है। तो यही बेसिकली आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इन एग्जाम्पल को आप समझेंगे तभी आप यहाँ पे कर पाएंगे, मतलब दो परिभाषा हमने बताया, इंपॉर्टेंट था इसलिए कर दिया। तो अगला देखो यार, कुछ और चीज़ें हैं यहाँ पे चीज़ें हैं कि वही न्यूट्रॉन वगैरह की संख्या ज्ञात करने के लिए था। तो यहाँ पे बेसिकली परमाणु भार वगैरह सब कुछ एग्जाम्पल्स थे यहाँ पे, बट वो मैं नहीं बताने वाला हूँ। मैं इसमें कुछ चीज़ें और देखता हूँ, कुछ चीज़ें और बताने लायक हैं तो उसको देखते हैं। हाँ, कुछ एग्जाम्पल एक दो बता देते हैं, जाने दीजिए। अगली टॉपिक्स हम स्टार्ट करेंगे जो कि नेक्स्ट लेसन होगा आपका परमाणु संरचना, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगले वीडियो लेक्चर में हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये भी वीडियो थी, वो तो और इंपॉर्टेंट होंगे, इस तरह सम इंपॉर्टेंट्स होंगे, लेकिन इसमें कुछ और चीज़ें हैं जिसको मैं एक क्वेश्चन के रूप में आपको यहाँ पे बता ही देता हूँ, क्योंकि आपको यहाँ एक एग्जाम्पल जान जाएंगे तो और आप अपने बुक से आप सॉल्व करेंगे। देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप अपने से सॉल्व मतलब सुनना, फिर बुक से आप मैच कर सकते हो, क्वेश्चन मिल जाएंगे शायद, हालांकि जैसे मैंने अपने मन से क्वेश्चन रैंडमली बनाए थे। कहा जा रहा है दो तत्व हैं, एक तत्व है यक्स, दूसरा है तत्व वाई, जिनके परमाणु क्रमांक तो समान हैं दोनों के, लेकिन द्रव्यमान संख्या दी गई है 35 और 37 दी गई हैं। यक्स में जो हमारे न्यूट्रॉन की संख्या है वो 18 है, तो वाई में न्यूट्रॉन की संख्या को बताइए। तो इसको देखिए कैसे करेंगे, हम बताते हैं आपको। सबसे पहले देखिए यक्स के लिए आप बात करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे आप लिखेंगे इधर इस तरह से, हम बात करेंगे यक्स के लिए, ठीक है, आप लिख लेंगे यक्स के लिए, हमें पहली बार में हम निकाल रहे हैं, ठीक है, इस तरह से आप यक्स के लिए करेंगे। तो आपका क्या होगा, यक्स के लिए द्रव्यमान संख्या, यक्स के लिए अगर हम बात करें द्रव्यमान संख्या, ए बराबर आपका दिया गया 35 दिया गया है, यह इतना दिया गया। और न्यूट्रॉन की संख्या, देखिए न्यूट्रॉन की संख्या दिया था, दोनों के न्यूट्रॉन दिया गया था, एन बराबर कितना दिया गया था 18 दिया गया था। इतनी चीज गाइस पहले समय पता है, तो आप देखिए हमको क्या, हमें प्रोटॉन निकालने हैं और जेड निकालने हैं, जब प्रोटॉन पता हो जाएगा तो जेड भी पता हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम ए निकाल लेते हैं, क्या कहते हैं, ए इज इक्वल टू फार्मूले से प्रोटॉन पी प्लस इजन से, ठीक है, इससे निकालते हो ए बराबर देख सकते हो हमारा 35 है, इधर पी रहेगा और यन की वैल्यू हमारी 18 दी गई है, इसको इधर लाएंगे 35 - 18 इज इक्वल टू पी है, तो पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से घटा लोगे तो यार 17 आ जाएगा, और हम जानते हैं यही बराबर जेड होता है। तो देख सकते हो पहले में हमें प्रोटॉन की संख्या पता हो गई कि पहले की परमाणु क्रमांक 17 है और साथ में उसमें 17 थे प्रोटॉन थे, मतलब 17 प्रोटॉन्स हैं, तो यक्स के लिए हो गया। अब देखिए कहा क्या गया था, क्वेश्चन बोला था हमसे या आप समझ लो, कहा गया था कि दोनों के परमाणु क्रमांक समान है, यानी गाइस जब हमें पहले का परमाणु क्रमांक पता हो गया 17 है, तो इसी तरीके से दूसरे वाले का भी कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। तो वाई के लिए यहाँ पे लिख लेना, वाई के लिए
वाई के लिए परमाणु क्रमांक को जेड से दिखाते हैं तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब दूसरे के लिए क्या ज्ञात करना उसको देखते हैं। और द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या आपकी पहले से मैंने बताया था 35 और 37 दी गई थी, द्रव्यमान संख्या को आपको ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 37 हम यहाँ पे बता लेंगे, ठीक है। 37 हो गया और ये 17 हो गए। अब देखिए न्यूट्रॉन की संख्या कहा गया था, न्यूट्रॉन यही वाला फार्मूला यूज करेंगे, वाई के लिए यहाँ काम कर रहे हैं तो हमारा वही फार्मूला पहले लिख लेते हैं, ए बराबर पी प्लस एन। तो देख सकते हो यहाँ से पक्षांतरण कर लेंगे, एन इज इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस पी हो जाएगा बेसिकली सा। अब इसके बाद जो अगला चीज़ होती है न्यूट्रॉन ही निकालना है हमको, एन इज इक्वल टू ए की वैल्यू रखते हैं, हमारा कितना है 37 है माइनस बेसिकली सा 17 है। तो देखो यार यहाँ से इम्प्लाइज इधर ही कर लेते हैं ताकि आपको दिखे, तो 37 में से 10 जाएगा 17 यानी एन बराबर कितना आ जाएगा हमारा 20, यानी जो वाई परमाणु है तत्व है एलिमेंट्स है उसमें क्या है 20 न्यूट्रॉन्स हैं। तो बेसिकली सर कहा क्या गया था वाई में न्यूट्रॉन ज्ञात कीजिए, तो हमने ज्ञात कर दिया कुछ इस तरीके के। और भी मेरे पास एग्जांपल्स हैं बट मैं उसको अब नहीं कराऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो अगले वीडियो में हम कुछ और डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे, इस वीडियो में इतना। अगला लेसन जो है वो इंपॉर्टेंट, वहाँ सब इंपॉर्टेंट, यहाँ यहाँ बेसिक चीज़ें थी। तो परमाणु संख्या स्टार्ट होगी, परमाणु संरचना है, ठीक है, परमाणु संख्या नहीं परमाणु संरचना के बारे में सीखेंगे। और हाँ वहाँ से क्वेश्चन आते हैं जो अगला आपका चैप्टर स्टार्ट होगा, बोरबरी का नियम वगैरह, क्वांटम संख्याएं, इन सब के बारे में समझेंगे। तो बेसिकली सर इतना ही बताना था इस वीडियो के लिए, आई होप पहली क्लास थी, पसंद आई, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करना, आपके कॉलेज में व्हाट्सअप ग्रुप बनाए गए सबको उस ग्रुप में शेयर करो ताकि सब पता चल जाए यार आपके कॉलेज में हो सकता है अगर कोई चीज़ अच्छे से नहीं पढ़ा रहा, अगर मेरा अच्छा से लग रहा है तो पढ़ सकते हो, सबके साथ शेयर कर सकते हो। और लाइक वाइक का एम मैं नहीं रख रहा हूँ, लाइक कर देना अभी तक पसंद आया तो। बस चलता हूँ अगली वीडियो लाने के लिए, मतलब नेक्स्ट डे आ जाएगी आपकी वीडियो इसकी, तो तब तक के लिए गुड बाय।